जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्का हिमपात का दौर जारी है, जहां एक ओर पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी व बारिश का दौर जारी है। जिले के कई ग्रामीण स्थानों पर बिजली की लुक्का छुपी भी देखी जा रही है, जिसके लिए विभाग विद्युत बहाल करने में जुटी हुई है, जबकि कई ग्रामीण रूटों पर बसों की सेवा भी बंद हो चुकी है। वहीं जिला किन्नौर प्रशासन भी बारिश से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिला किन्नौर में उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा द्वारा सभी विभागों के आला अधिकारियों को बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिले में जहां एक ओर बर्फबारी से किसान व बागबानों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि आगामी आने वाले वर्ष में यह बर्फबारी जिले के किसानों व बागबानों के नकदी फसलों सेब काला जीरा जैसे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो आगामी सर्दी का मौसम आ रहा है, इसके लिए हम सभी विभागों से बैठकर कोऑर्डिनेशन बैठक कर चुके हैं और सबको आवश्यक दिशा निर्देश, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉकिंग का हो, चाहे वो रोड की क्लियरेंस का हो, बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की दुरुस्ती का हो, सबके बारे में हमने संपूर्ण हिदायत विभागों को दी है। और जो मौसम पिछले 3 दिन से ख़राब चल रहा है, उसके लिए सभी विभाग मुस्तैदी से ध्यान रखे हुए हैं। कुछ कुछ क्षेत्रों में बिजली की समस्या आई है, लेकिन बहुत छोटे स्केल पर वो समस्या है और उसमें बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार प्रयासरत हैं कि वहाँ पर वो व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। ओवरऑल अभी तक मानूंगा कि जो 3 दिनों में जो डिपार्टमेंट्स का रिस्पॉन्स अभी तक चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। ज़्यादा समस्या अभी तक कहीं किसी भी कोने से हमें सुनने को नहीं मिली है। साथ में जो आगामी सीज़न पूरा चलेगा, उस सीज़न के लिए खासकर कोविड के मद्देनज़र कल ही माननीय मंत्री सरवीण चौधरी जी ने यहाँ पर हिम सुरक्षा अभियान को लॉन्च किया है और जो पूरे 1 महीने चलेगा, उसमें मुख्यतः फोकस हमने कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और घर घर जाकर हमारी जो हेल्थ की टीम है वो घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करेगी और देखेगी कि कहाँ कोई वल्नरेबल सेक्शन कोविड का तो नहीं है, और उस बारे में IECs महिला मंडलों के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के द्वारा, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आगामी विंटर सीज़न में कोविड महामारी को देखते हुए किन्नौर जिला सुरक्षित रहे और किन्नौर जिला में किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। और इसके लिए हम आप सब लोगों से, जनता से ये अपील करते हैं कि सब मुस्तैदी से रहें, कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो, तुरंत जो संबंधित विभाग है और कंसर्न्ड SDM है, उनकी जानकारी में वो चीज़ ज़रूर लाएं और कोविड से संक्रमण के से बचने के लिए आवश्यक 2 गज की दूरी, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल का फॉलो करें। किन्नौर से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।